आज मैं आपको लेकर आ गई हिमाचल के हमीरपुर शहर के फेमस पिज्जा किंग्स पे। तो हमारे पिज्जा की मेकिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले यहाँ पे ऑयल डाल दिए गए हैं, ऑयल के बाद इसमें पानी डाला है और ये पिज्जा मेकिंग का मिक्सचर है। हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल फ्रेश पिज्जा डो बनता है। तो अब नेक्स्ट क्या डालेगा इसमें? इसमें मैदा डालेंगे। मैदा, तो फ्रेश डो के लिए हमारा यहाँ पे मैदा आ चुका है। तो जो भी चीज यहाँ पे डलती है मेजर करके डलती है। 4 से 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, देख सकते हैं हमारा डो एकदम लग के रेडी हो चुका है। ये हमारे डो है जो रेडी हो चुके हैं, ये अलग अलग साइजेस में है, लार्ज, मीडियम और नॉर्मल साइज, रेगुलर साइज के 3 टाइप के डोज होते हैं। ये कम्प्लीटली बिल्कुल हाइजीन और बिल्कुल फ्रेश डो है। टॉपिंग रहेगी, इनका ऑर्डर होता है उनके अकॉर्डिंगली इसकी टॉपिंग रहेगी, और जो भी वेज है नॉन वेज दोनों टाइप के। हमारा वेज वाला जो है वो शेफ चॉइस बन रहा है, इसमें थोड़ा सा स्पाइसी भी रहता है और जो इंग्रेडिएंट्स क्लाइंट्स के अकॉर्डिंगली टॉपिंग्स में रहते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट्स उनको चाहिए होते हैं क्लाइंट्स को, वो सारा इसमें एडेड होता है। मैक्सिमम यहाँ पे रिक्वायरमेंट वेज की रहती है, 70-30 की रेशियो मान सकते हैं। इसमें अभी चीज़ डल रही है प्रॉपर क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली, जो उसकी रेशियोज रहती है प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंगली डलती है। तो चीज़ डल चुका है, तो नेक्स्ट क्या डलने जा रहा है? हाँ, ये रैप है। तो एकदम बहुत ही डिफरेंट पिज्जा यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते क्या रहने वाला है इसमें? सबसे लेके डाल रही है रीसा सॉस सर, अभी आएगी पिज्जा पास्ता, अभी आएगी सारी चीज। तो ये आगे ऊपर से मोजेला चीज, तो नीचे भी चीज की ले रही थी, ऊपर से भी मोजेला चीज डाल दी गई है। इसमें आ जाएगा अभी आएंगे ना, अभी आएगी कॉर्न, पनीर। तो ये आगे भाई पनीर, तो पनीर को पहले मैरिनेट करके रखते हो? हाँ जी सर। अभी आगे रेड पेपर के सर, अभी आगे ब्लैक ऑलिव सर, अभी रेडी है सर जी। जी सर, आपको कितने देर में रखेंगे? 2-4 सेकंड सर, 4 से 5 मिनट। तो वेज पिज्जा हमारा यहाँ पे लग चुका है। तो भाई नेक्स्ट पिज्जा कौन सा लगने जा रहे हैं? चिकन फ्रेंचाइजी पिज्जा, हरी सॉस और हरी सॉस मिक्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मोजरेला चीज आ रही है। तो आपको यहाँ पे वेज के अलावा नॉन वेज भी बहुत सारी वेराइटी मिल जाएगी, आप कोई भी लगवा सकते हो। ये आगे भाई प्याज, नेक्स्ट इसमें ब्लैक ऑलिव लगने जा रहे हैं, ये आगे मशरूम, स्पाइसी चिकन। तो पिज्जा में देखो काफी सारी चीजें डल चुकी है यहाँ पे। तो स्पाइसी चिकन के बाद इस पे डाले जा रहे कबाब, तो देखो 2 वैरायटी के यहाँ पे चिकन लगाए जा रहे हैं। तो हमीरपुर में देखा कि यहाँ पे उस टाइप के रेस्टोरेंट नहीं है एज कम्पेरिजन टू अगर गुड़गांव दिल्ली लोकेशंस के अकॉर्डिंगली, पंजाब के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे इतना ऑप्शन रिस्पांस काफी अच्छा है, कॉलेज का, NITs का काफी अच्छा रिस्पांस है। पिज्जा में हमारे पास वेज, नॉन वेज, KFC स्टाइल चिकन की भी वेराइटी है, विंग्स हैं, ड्रम्स हैं, शेक्स वगैरह भी हैं, मॉकटेल्स वगैरह भी हैं, ऑल वेराइटीज है। चिकन बाइट रहता है और नॉन वेज में भी सब चॉइस रहते हैं। वेज पिज्जा लगे यहाँ पे रेडी हो चुका है, कितना कलर आ चुका है, कितने पीस में कट करेंगे? 6 पीसेस। तो पिज्जा की यहाँ पे कटिंग के लिए जाएगी, 6 पीसेस में उसको कट कर लिया जाएगा। तो वेज पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है, अब नॉन वेज भी निकाल लिया जाएगा। तो फाइनली हमारा नॉन वेज पिज्जा भी लग के यहाँ पे रेडी हो चुका है, अब इसकी भी यहाँ पे कटिंग कर ली जाएगी, इसके भी 6 पीसेस होंगे। तो फाइनली हमीरपुर के फेमस पिज्जा किंग के मैंने यहाँ पे दोनों फेमस पिज्जा लगवा लिया। पिज्जा देखो तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, आपको यहाँ पे मैरिनेटेड आपको पनीर मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, ब्लैक ऑलिव मिल जाएंगे, कॉर्न मिल जाएगा, काफी सारी चीजें, और जिसमें चीज डाला हुआ एकदम भर भर के डाला हुआ है। और इनकी खास बात यह है कि एकदम फ्रेश डो पिज्जा लगा, काफी ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। इसमें आपको 2 वैरायटी के चिकन मिल जाएंगे, स्पाइसी चिकन मिल जाएगा और चिकन कबाब मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको उसमें मशरूम मिल जाएंगे, प्याज मिल जाएगा। टाइमिंग क्या रहती है आपके रेस्टोरेंट में? मॉर्निंग 10 से नाइट 10। और वीक में कितने दिन ओपन रहता है? 7 डेज। एड्रेस बता दीजिए हमीरपुर में कहाँ पे है? हमीरपुर में हमारा मेन मार्केट में है, यहाँ पे फेमस है शीशे वाली गली, ठीक है, अपोजिट है, और साथ में MI का स्टोर है उसके बिल्कुल अपोजिट फर्स्ट फ्लोर पे।